राम नाम सत्य राम नाम सत्य राम नाम सत्य राम नाम सत्य। देख लो भाई ये हाल है यहाँ का दाल मंडी का, कितना भीड़ है। अभी मतलब वीडियो दो मिनट स्टार्ट ही हुआ है और दो लाश अभी गुजर चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी मैं फिलहाल बनारस का सुप्रसिद्ध जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है बनारस की गलियों में, और फिलहाल देख सकते हैं जो बनारस की गलियाँ हैं ना भाई साहब, देखो क्या मस्त लग रहा है ना। और गलियों में इतने सारे मंदिरें हैं, और सबसे खास बात ये लगता है ना बनारस गलियों का, बनारस की गलियों में जो पेंटिंग किया हुआ ना भाई, बाबा विश्वनाथ का हो गया है, फिर जितने भी साधु महंत हैं उनका जो पेंटिंग किया गया ना, वो कतई एक नंबर है, नेक्स्ट लेवल है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इन गलियों में थोड़ा सा और आगे, देखिए कितना मस्त है। और फिलहाल अभी मैं जो हूँ ना वो मणिकर्णिका वाली गली में हूँ, ये सामने जो चला जाएगा ये मणिकर्णिका के लिए चला जाएगा। और देखिए यहाँ पे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मणिकर्णिका वाली गली में, और यहाँ से भाई साहब डेली का लगभग 300 से ऊपर लाशें यहाँ से गुजरती है। सामने ही मणिकर्णिका घाट है, तो इसी घाट के सहारे से मैं आगे जा रहा हूँ, अभी चौक की तरफ निकलेंगे यहाँ से। और देखिए तो कितना बढ़िया ना पेंटिंग यहाँ पे बनाए गए हैं। और भाई साहब गलियों में जो घर है ना, देखो एक बार, ये है भाई बनारस का गलियाँ, बनारस यानी कि बनारस का पान, बनारसी साड़ी, बनारसी गलियाँ, बनारसी घाट, इसी के लिए फेमस है भाई साहब। और फिलहाल अभी मैं हूँ बनारस की गलियों में, गलियों में ये देखो क्या बात है, पूरी हाँ भाई बनारस की गलियों में, और कचौड़ी पूरी ना खाओ सुबह से तो क्या ही वे है। देखो यहाँ पे लिखा है मणिकर्णिका। हाँ भैया निकलना है रोड पे, रोड पे, रोड पे सीधे, तो इधर से हम निकल जाएंगे अब सीधे मणिकर्णिका द्वार के पास में, और वहाँ से थोड़ा ही आगे जाएंगे तो जाना है हमें दाल मंडी वाले एरिया में ना, तो भाई साहब को लेना है वहाँ पे टेम्पर उम्पर लेना है कुछ। चलिए दाल मंडी का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा, बनारस का दाल मंडी कैसा होता है, कैसा वहाँ का मार्केट है, वो सब पूरी बताऊंगा। और गलियों में ना इतने सारे मंदिर है ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ महादेव का प्रसाद भी मिल रहा है, ठंडाई घर ये यहाँ पे मिलता है। ये है भाई। ये हाँ ये यहाँ पे ये देखो मंदिर है, भाई जो मजा दुबई सब में नहीं आएगा ना, वो मजा बनारसी गलियों में। देखो एक और से यहाँ पे सब आ रहा है, तो इनको क्रॉस करने देते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए दो मिनट में आपको, हाँ अभी मतलब वीडियो दो मिनट स्टार्ट ही हुआ है और दो लाश अभी गुजर चुका है। तो अगर आप बनारस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना भाई, बनारसी गलियों में जरूर आओ एक बार, ताकि आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा बनारसी गलियों में। अब यहाँ से थोड़ा ही आगे जाएंगे तो सामने है ब्लू लस्सी, जो कि बनारस का बहुत ही फेमस लस्सी शॉप है। और ये देखो यहाँ पे महादेव विराजमान है भाई, एक चीज़ देखा ना मैंने यहाँ पे भाई, घर घर में महादेव वास करते हैं यहाँ पे, ये नहीं है आगे आगे वाला है। ये देखो और इस गलियों में ना जो पुराने पुराने बिल्डिंग है ना, देखो एक बार इसकी आर्किटेक्चर, ये क्या बन रहा है, ये दूध बन रहा है, ये देखो भाई ये फॉरनर सब एकदम से। और ये देखिए कितनी प्राचीन बिल्डिंग है भाई, और फॉरनर सभी भाई बनारस के पीछे दीवाने हैं सब। और देखो एक बार इसकी कलाकृति बनावट इन गलियों का, सिटी इसलिए नहीं कहते हैं भाई बनारस को दुनिया के सबसे प्राचीन शहर, वो कहावत है ना कि क्या बोलते हैं उसको, चटमंगनी पटरिया, अरे नहीं भैया। और एक चीज और देख लो भाई, अगर बनारस में आते हो ना तो यहाँ मणिकर्णिका के पास में यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, आपको क्या बोलते हैं पार्किंग एरिया, जो कि सही है भाई। ये साड़ी वड़ी का शॉप है यहाँ पे, भैया मणिकर्णिका द्वार निकल जाएगा ये। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकर्णिका द्वार, जो कि मणिकर्णिका घाट से होते हुए अभी हम लोग, ये देखो भाई ये ब्लू लस्सी,
बना दीजिए ये। हाँ देख लो भाई, बनारसी गलियों में इतना बड़े बड़े शॉप्स अवेलेबल है यहाँ पे, मिठाई का हो गया और इतनी सकड़ी सी गली है और गलियों में जो रस है ना भाई साहब, कति नेक्स्ट लेवल रस है भैया। बाहर निकल जाएंगे रास्ते में, ये देखो भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं हाँ भैया। अच्छा सुखा रहे हैं यहाँ पे, तो देख लो भाई ये भैया सुखा रहे हैं इसको डाई किए हुए हैं हाँ। और यहाँ पे दोना वोना का मिल जाएगा, दोना प्लेट। और यहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह चाहिए आपको, रुद्राक्ष का भी शॉप यहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारा। तो फाइनली हम पहुँच गए, आ गए यहाँ पे मणिकर्णिका द्वार पे। और ये देखो मणिकर्णिका द्वार है ये वाला, और ये देखो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से मणिकर्णिका द्वार देख लो। और सामने ही है नया वाला कॉरिडोर जो है बाबा विश्वनाथ का, सामने 4 नंबर गेट है। और हम लोग चल रहे हैं अभी यहाँ से टेम्पल लगवाने के लिए दाल मंडी में, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे चौक की तरफ। भाई अगर आप बनारस आते हो तो बनारस की साड़ियाँ बहुत चाहिए ना, तो इस लेन में आपको बहुत सारे बनारसी साड़ी होता है जो कि ओरिजिनल होता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा आपको ओरिजिनल चाहिए, मतलब कि आप चाह रहे हैं कि सामने आपके सामने बना हुआ साड़ी मिले, आपके सामने बना रहा हो, तो आप जा सकते हैं सारनाथ में, क्या ग्रामीण बुनकर सोसाइटी है, आप वहाँ जा करके ले सकते हो। अरे भैया बस करा यार, कहीं 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 कर दूँ एकदम से। ये देखो बाकी इधर भी बहुत सारे शॉप है साड़ी वगैरह का, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। बस आ गए हम लोग, अब यहाँ से जाएंगे अंदर की तरफ। वैसे हम फाइनली पहुँच चुके हैं चौक वाले एरिया पे बनारस में, और ये जो एरिया देख रहे हो ये चौक एरिया है, और यहाँ से हम अंदर की तरफ चलेंगे जो कि जाएगा दाल मंडी। देख लो अब इतनी पतली सकड़ी सी रास्ता है यहाँ से, और इसमें इतना भीड़ भाई देख लो एक बार। पान खाना है? नहीं हम पान नहीं खाते सर। भाई इस गली में ना आपको मतलब एक सुई से लेकर के कपड़ा जो भी हो रहा, बड़े बड़े आइटम सब यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो एक बार कपड़े वपड़े यहाँ मिल रहा है, बाकी यहाँ हो गया आपको किचन का जो सामान होता है वो सब यहाँ मिल जाएगा। और इससे थोड़ा आगे जाएंगे ना तो आपको मोबाइल का जो होता है ना मोबाइल एसेसरीज वगैरह, वो आप देखो यहाँ पे कुरकुरे मुरमुरे सभी मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो मोबाइल का शॉप यहाँ पे आ गया। ये भैया के पास फिर से आ गए, आपका ही कवर है ना भैया। टेम्पर दिखा दीजिए। लो जी अभी हम आ गए फिर से भैया के शॉप पे एक बार फिर से, जहाँ से हम अपने आईफोन का कवर लगवाए थे, और भैया यहाँ पे लगाएंगे इसका टेम्पर्ड। महंगा आएगा देख लो भाई, ये हाल है यहाँ का दाल मंडी का, कितना भीड़ है। क्या भीड़ है यार, ये देखो हर एक गजब कहा भैया मजा आ रहा है दाल मंडी भाई। दिवाली का पूरा भीड़ है यार ये सब, ये देख लो
तो हाँ जी, हम लोगों ने फाइनली अपना टेम्पर लगवा लिया मोबाइल में। फिलहाल अपनी शक्ल के हाल बिगाड़ हो गया, और ये वाला है, इस वाले फ़ोन वाला है। बाकी एक टेम्पर हमने लिया है जो कि घर जाकर लगाएंगे। बाकी यही कुछ था बनारसी गलियाँ। अगर आपको कुछ और भी चाहिए बनारसी गलियों में या फिर बनारस से रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर, यह है PDR मॉल। नहीं चेक नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई जगह पर। तब तक के लिए जय श्री राम।